गुजरात में आगामी 5 दिवस फरीवार वरसाद पड़वानी आगाही करवामां आवी छे। हवामान विभाग की आगाही मुजब आगाही 48 कलाक में राज्य के केटलाक विस्तार में भारे थी अति भारे वरसाद पड़ी शके छे। जेमां दक्षिण गुजरात में भारे तो सौराष्ट्र में अति भारे वरसाद पड़वानी शक्यता छे। अमदावाद अने गांधीनगर में सामान्य वरसाद पड़वानी शक्यता छे। आ साथे उत्तर अने मध्य गुजरात में पण भारे वरसाद पड़वानी आगाही कराई छे। हवामान विभागना जणाव्या मुजब वरसादनी एक सिस्टम सक्रिय बनी छे अने मॉन्सून एक्टिविटीना कारणे भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। माछीमारोने 8 अने 9 ऑगस्टे दरियो न खेडवा चेतवणी आपवामां आवी छे। दिनमी हमारा फैली वाइस्ट रहने वाला ही है और उसमें डे 3 डे 4 डे 5 से वार्निंग हेवी रेनफॉल वेरी हेवी का है ज़्यादा बट डे 1 डे 2 भी हेवी रेनफॉल वार्निंग से बट डे 4 डे 5 में गुजरात रीजन और सौराष्ट्र में एक्सट्रीमली हेवी है। उसमें डे 4 एंड डे 5 में गुजरात रीजन में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का चांसेस है एंड डे 5 में गुजरात रीजन सौराष्ट्र में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का चांसेस है। छेल्ला 24 कलाक में राज्य में 177 तालुका में वरसाद पड़ियो छे जेमां छोटा उदयपुर ना कवांड में 6 इंच करता वधु वरसाद वरस्यो हतो। बीजी तरफ नवसारी जलालपुर में 5 इंच अने साबरकांठाना वडाली में 4.5 इंच वरसाद खाबक्यो छे। ए उपरांत गढ़ा कपड़वन जूनागढ़ पलसाड़ा तलाला सावणकुंडला नवसारी महुआमांथी 3-4 इंच वरसाद नोंधायो छे। गुजरात में जुलाई बाद ऑगस्ट में पण वरसादनो राउंड चालू रह्यो छे। राज्य में सीजनों कुल 24 इंच वरसाद खाबकी गयो छे जेमां कच्छ में 11 इंच उत्तर गुजरात में 19 इंच मध्य गुजरात में 20 इंच अने सौराष्ट्र में 18 इंच दक्षिण गुजरात में 50 इंच वरसाद थयो हतो। हिंट टीवी न्यूज़ सूरत।